वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे SIP कैलकुलेटर। सेकंडली SIP को ग्रो एप्लीकेशंस के अंदर, ग्रो की वेबसाइट के अंदर कैसे चेक करना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है। बाकी SIP के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने SIP क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, ये सारी चीजों पर मैंने थियोरिटिकली डिस्कशन किया है और एक दो वीडियो में मैंने कंप्यूटराइज भी दिखाया है। लेकिन इस बार हम मोबाइल से देखेंगे कैलकुलेटर कैसे, SIP का कैलकुलेशन कैसे चेक करना है और कौन सा SIP कौन सा म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे करना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आज के वीडियो के अंदर बाय मोबाइल देखेंगे, ठीक है। मोबाइल के अंदर आपको कहां जाना है, गूगल क्रोम ओपन करो। गूगल क्रोम में जाने के बाद में आपको ग्रो सर्च करना है। ग्रो सर्च करने के बाद सबसे पहले जो फर्स्ट लिंक आता है, लिंक को ओपन करो। ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आपको एक तो लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हो, अकाउंट नहीं है तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ग्रो के अंदर आप अपना म्यूचुअल फंड का, SIP का या स्टॉक मार्केट का अकाउंट कैसे बना सकते हो। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, अभी हम जो लर्न करने वाले हैं वो है म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में। तो डायरेक्ट विदाउट अकाउंट हम इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको म्यूचुअल फंड का एक सेक्शन दिया है। म्यूचुअल फंड के सेक्शन के अंदर आपको नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाओगे, यहाँ पे डिस्कवर म्यूचुअल फंड, बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हाई रिटर्न, SIP विद 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आपको अभी म्यूचुअल फंड स्टडी करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे हाई रिटर्न में। अब ये हाई रिटर्न का मतलब क्या होता है, ये वेबसाइट आपको वो म्यूचुअल फंड और वो SIP प्लान शो करेगी जिनने लास्ट 3 ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा हाई रिटर्न दिया है। रिटर्न जिनका हाई था, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा अर्निंग करके, जो फंड ने बहुत ज्यादा अर्निंग करके दिखाई है, वो फंड आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें इश्यू क्या है कि जितना हाई रिटर्न होता है उसकी कंपैरिजन में उसका रिस्क भी उतना ज्यादा होता है। कॉमन सी बात है कि जितना आप रिस्क लोगे उतना आपका बेनिफिट, उतना आपका रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। एक हर्षद मेहता की स्टोरी के अंदर एक फेमस डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो फंड दिखेंगे वो सारे हाई रिटर्न वाले फंड्स है, ठीक है। अब ये हाई रिटर्न वाले फंड्स में सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि PGI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी 31% यहाँ पे आपको रिटर्न दिया है। कितना? 31% लास्ट 3 ईयर्स में 31% PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ने 31% लास्ट 3 ईयर का ये मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे 5 स्टार रेटिंग दिया है। इक्विटी मिड कैप है, 5 स्टार रेटिंग है, मतलब ये फंड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत से लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया है। जैसे हम उसके ऊपर टैप करेंगे, इसको ओपन करते हैं। टैप करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे आपको टॉप में फंड का नेम रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिया है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये पूरा म्यूचुअल फंड का नेम है। उसके नीचे लिखा है वेरी हाई, मतलब वेरी हाई रिस्क, मतलब ये फंड के अंदर रिस्क ज्यादा है। आपका लॉस आज का, आपका जो RPM रिस्क प्रॉफिट मैनेजमेंट रेशियो है, इसका तो थोड़ा हाई होगा, बिकॉज ऑफ रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होगा। बाकी दूसरे फंड ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर रिस्क कम, मतलब रिटर्न भी कम मिलेगा। ये थोड़ा हाई रिटर्न वाला है, इसके अंदर बेनिफिट भी ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, ओके। चलिए ना, उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको पूरा ग्राफ दिया है, 1 month, 6 month, 1 year, 3 year, 5 year का पूरा ग्राफ दिया। ग्राफ के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हो। देखो यहाँ पे उसका प्राइस कौन से टाइम में कहाँ पहाँ उसका NAV बड़ा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद जैसे हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे उसका रेटिंग दिया है, 5 स्टार रेटिंग दिया है। मिनिमम SIP अमाउंट कितना, मतलब पर मंथ आपको मिनिमम कितना इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे दिया है मिनिमम SIP अमाउंट 1000 rupees, मतलब ये फंड के अंदर आपको कम से कम 1000 रुपए तो ऐड करने ही है पर मंथ, उससे कम नहीं कर सकते। सेकंडली यहां पे आपको दिया है फंड साइज, सबसे बड़ी चीज, जितना फंड साइज बड़ा, मतलब बहुत से लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है। यहां पे कुछ आपको दिखा रहा है 7,557.96 करोड़, ये टोटल अमाउंट ये फंड के अंदर है, पब्लिक ने इतना सारा पैसा ये फंड के अंदर लगाया है, ठीक है।
सेकंडली नीचे और एक टैब दिया है रिटर्न कैलकुलेटर, हम रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैं इसके अंदर पैसा लगाता हूं तो मुझे कितना मिलेगा। यहां पे दिया है मंथली एसआईपी और एक दिया है वन टाइम। अब वन टाइम क्या है, अगर आपके पास 20-25 हजार, 1 लाख, 2 लाख है, आपको मंथली बेसिस पे पैसा ऐड नहीं करना है, आपको क्या करना है एक साथ में सारा पैसा आपने एक ही बार डाल दिया, तो यहाँ पे आप जा करके वन टाइम में देख सकते हो। वन टाइम में मैंने यहाँ पे अमाउंट कर दिया करीब मेरा 50,000 में कर दिया, चलो 50,000 और कितने ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, तो मेरा पैसा कितना बनेगा, 1,20,000 रुपया मेरा यहाँ पे बनेगा। टोटल जो मेरा अमाउंट था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, वो मेरा 50,000 था और उसके अगेंस्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट होके मेरा जो रिटर्न आएगा 5 साल में 1,20,000, मतलब मेरा टोटल जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, 1,38,74% मेरा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। बहुत ज्यादा है, आई थिंक 100 टाइम से कहीं गुना ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपका वन टाइम था। अब हम जाते हैं एसआईपी में, मंथली एसआईपी। एक साथ में मेरे पास 50,000 नहीं है, मैं थोड़े थोड़े करके एवरी मंथ 1,500 करके पैसा डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अमाउंट पर मंथ हमने कर दिया है 1,000 मिनिमम अमाउंट। अगर मैं एवरी मंथ 1,000 एड करता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा कितने साल में, 1,000 ऐड किया, यहाँ पे 5 साल दिया है, अगर मैं 1,000 5 साल के लिए भी ऐड करता हूं तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जितना मेरा पैसा लगेगा, टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 60,000, मतलब 60,000 मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसके अगेंस्ट में मुझे 5 साल में कितना पैसा मिलेगा, 1,12,000। करीब करीब ऐसा समझो कि आपका जो रिटर्न है वो 88% जितना हो गया, 50% से भी कहीं गुना ज्यादा, आपका पैसे 5 साल के अंदर डबल हो जाएंगे। और अगर आप ये टाइम पीरियड जितना बढ़ाओगे, जितना टाइम पीरियड आप आगे लेके जाओगे, उतना ही अमाउंट बढ़ेगा। इसके लिए अलग से अभी मैं कैलकुलेटर के अंदर फिर से एक बार आपको रिटर्न चेक करके दिखाऊंगा टाइम पीरियड बढ़ा के। यहाँ पे लिमिटेड टाइम पीरियड दिया है, अलग से कैलकुलेटर के अंदर हम उसको चेक करेंगे कि आपको मैक्सिमम टाइम में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो ये था आपका रिटर्न कैलकुलेटर पर्टिकुलर फंड के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं होल्डिंग्स। अब ये होल्डिंग्स क्या है, आपका जो म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड के अंदर आपने जो पैसा लगाया है, म्यूचुअल फंड ने सारा पैसा कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और कितने कितने परसेंट के रेशियो पे इन्वेस्ट किया है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा आपकी कौन सी कंपनीज में आपके फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है, तो आपको पता चले कि भाई ये मेरी जितनी कंपनीज में मैंने पैसा लगाया है वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। तो यहाँ पे हम जाएंगे होल्डिंग्स में, यहाँ पे टोटल 48 दिख रहा है, दैट मींस हमारा म्यूचुअल फंड 48 कंपनीज के अंदर पैसा हमारा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्यूमाइन इंडिया लिमिटेड 4.15%, HDFC बैंक के अंदर 3.90%, बाटा इंडिया लिमिटेड के अंदर 3.67%। ये सारे कंपनीज के अकॉर्डिंग रेशियो दिए हैं, कौन सी कंपनीज में ये फंड का कितना पैसा लगा है। तो ये आपका था होल्डिंग्स। उसके बाद यहाँ पे दिया है रिटर्न रैंकिंग कि भाई कितने सालों, पिछले कितने साल के अंदर कितना कितना रिटर्न दिया है। तो एक ईयर के अंदर यहाँ पर दिया है 0.5, 3 इयर्स के अंदर 31% रिटर्न दिया है, और अगर 31% के रिटर्न से अगर आप 20 इयर्स के लिए भी एवरी मंथ 1,000 ऐड करोगे तो गारंटीड आपको 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5 साल के अंदर 90% और ओवरऑल 18% का रिटर्न दिया है। आज अगर आप कोई FD में भी पैसा इन्वेस्ट करते हो ना तो ज्यादा से ज्यादा आपको 6-7% रिटर्न मिलेगा, बट म्यूचुअल फंड SIP आपको 18% तक का रिटर्न दे रहा है। और अगर 3 साल का कैलकुलेशन निकाले तो 3 साल के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हो 31% का रिटर्न है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया है पीर कंपैरिजन, आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो कि ये फंड की कैटेगरी के अंदर और ये फंड की कंपैरिजन के अंदर कौन से दूसरे फंड है, तो आपको पता चले हाँ एक तो मैंने देखा लेकिन इसके साथ दूसरे कौन से फंड है जिसके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूं, मुझे चेक करना कि इसके कंपैरिजन में कौन सा अच्छा। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कौन मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 33%, PGMI इंडिया के जो अभी हम देख रहे हैं, SBI मुगनू मिड कैप डायरेक्ट फंड है, यहाँ पे निपोन इंडिया ग्रोथ है, ये सारे कंपैरिजन इसकी कैटेगरी में आने वाले सारे फंड्स यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करे, तो ये कंपैरिजन भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद अगर हम आगे जाए एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड एंड टैक्स, कितना एक्सपेंस रेशियो लगेगा, 0.44% अगर आप पैसा लगाते हो तो 0.44% एक्सक्लूडिंग इंक्लूसिव जीएसटी अलग से लगेगा, इतना पैसा आपके फंड मैनेजर लेंगे। उसके बाद में एग्जिट लोड कितना है, 0.5% है। स्टैम्प ड्यूटी कितना लगेगा, 0.005, बहुत ही कम
स्टैम्प ड्यूटी है जो कि उसका लास्ट इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम जुलाई 1, 2020 से हो गया था। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपका पैसा नॉर्मली एक दो रुपए कटने वाला है वो कटना ही। अब जो मेन चीज आती है दैट इज नोन एज द फंड मैनेजमेंट। हम जो पैसा लगा रहे हैं हमारा पैसा मैनेज कौन करेगा? हम तो करने वाले नहीं है, हम पैसा लगा दिया 1% या 0.44% ये लोग ले रहे हैं, हमारे पास एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से चार्जेस ले रहे हैं, तो पैसा कौन मैनेज करेगा? तो यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में सबसे पहले दिया है पुनीत पाल, जुलाई 2022 से ये ज्वाइन किया है, उनका एजुकेशन भी यहाँ पे नीचे दिया है। मिस्टर पाल इज अ बीकॉम एंड एमबीए फ्रॉम सिम्बा पुणे यूनिवर्सिटी। पुनीत पाल ने एमबीए किया है, बीकॉम प्लस एमबीए किया है, दैट मींस उनका क्वालिफिकेशन भी बहुत हाई है। दूसरे हमारा जो फंड मैनेजर यहाँ पे दिया है अनिरुद्ध नाहा, इनका भी हम चेक करते हैं, मास्टर्स इन फाइनेंस एंड कंट्रोल के अंदर उनका क्वालिफिकेशन एजुकेशन है। तो यहाँ पे आपको फंड मैनेजर भी आपको दिखेंगे, तो आपको पता चले कि जो लोग मेरा पैसा लगा रहे हैं, जो लोग मेरे पैसे को मैनेज करे कितने क्वालिफाइड है, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, उन लोगों ने कौन सी कंपनीज में कौन से पोजीशन पे काम किया है, तो ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फंड मैनेजमेंट में जाना है तो यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। नीचे उनका पूरा एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है, प्रियर ज्वाइनिंग टू पीजीएम म्यूचुअल फंड, ही हैज वर्क विद द बीएनपी पारिबस एएमसी एज अ हेड फिक्स इनकम। बहुत सारे उनके क्राइटेरियाज रहते हैं, सबके अंदर उन लोगों ने मेंशन किया है कि उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उन लोगों ने कौन सी कंपनीज में कैसे कैसे काम किया है। ठीक है, ये हो गया आपका फंड मैनेजमेंट। उसके बाद में यहाँ पे नीचे दिया है फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनका रैंक कितना है, टोटल असेट्स कितनी है, इसके अंदर भी आप थोड़ा बहुत स्टडी कर ली, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे चलते हैं, आगे नीचे दिया है अदर प्लान ऑफ सेम फंड, यही फंड के सेम सिमिलर दूसरे कौन से प्लान है, तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, हो सके कि आपको इसके अंदर इंटरेस्ट आ जाए। यही फंड का एक और प्लान यहाँ पे दिया है पीजीएमआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, मतलब एक ही प्लान है, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है। तो ये था पूरा बेसिक एनालिसिस एसआईपी और म्यूचुअल के ऊपर, कि आपको कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो, अगर मुझे कोई फंड के अंदर पैसा लगाना है तो मैं उसको कैसे एनालिसिस कर सकता हूँ, ये हमने देखा पीजीएमआई का। थोड़ा हम बैक जाएंगे और कोई फंड हम यहाँ पे चेक करते हैं, उसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पे दिया है नीचे कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, इसको भी हम एक बार चेक करें, 5-star फंड है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 33% इसका रिटर्न है, 3 years 33%, उसका एनएवी वैल्यू है ₹25.75%, मिनिमम एसआईपी अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 1000 कम से कम आपको इन्वेस्ट करना है पर मंथ। सेकंडली यहाँ पे फंड साइज दिया है आपको 4567.76 CR, मतलब करोड़। ये वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई CR, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CR, ये लोग शॉर्ट में करोड़ का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज नोन एज द CR। बहुत से लोग शार्क टैंक देखते होंगे जिसके अंदर ये वर्ड बार बार आता है CR, CR मींस व्हाट, CR मतलब करोड़। द 4576.76 crore का इनका जो पूरा फंड है, फंड साइज है इनकी। यहाँ पे नीचे रिटर्न कैलकुलेटर दिया है, जैसे अभी हमने चेक किया था, अगर मैं एवरी मंथ ₹1000 लगाता हूँ 3 साल के लिए तो टोटल मेरा बन जाएगा 56,000, इन्वेस्टमेंट मेरा होगा 36,000। उसके बाद नीचे होल्डिंग्स कौन सी कितनी कंपनीज में पैसा इन लोगों ने लगाया है ये फंड ने, उसको मिनिमाइज करेंगे और नीचे जाएंगे हमारे रिटर्न और रैंकिंग्स के अंदर के कितना रिटर्न दिया है, पूरा एनालिसिस यहाँ पे आप देख सकते हो, पीयर कंपेरिजन के अंदर भी आप देख सकते हो कि कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लान के साथ में। सेकेंडली अगर आप नीचे जाओ तो एक्सपेंस रेशियो, अगर आप ये प्लान के अंदर पैसा लगाते हो तो आपका पैसा कितना कट होगा, ये लोग कितना चार्जेस लेंगे। उसके बाद हम नीचे जाए तो फंड मैनेजमेंट, आपके सारे मैनेजर्स जो आपका फंड मैनेज करते हैं ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद और नीचे जाए फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट एंड ऑब्जेक्टिव, कौन से फंड के अंदर कैसे कैसे किस लेवल पे पैसा लगाया है, ये सारी चीजें आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये था फंड को, म्यूचुअल फंड को एनालिसिस कैसे करना। गूगल क्रोम में जाओ, ग्रो लिखो, वहां पे नीचे हाई रिटर्न के अंदर जाओ, आपको सारे फंड दिखेंगे, ये हाई रिटर्न फंड है। ठीक है, बाकी अगर आपको हाई रिटर्न में नहीं जाना है, थोड़ा सिक्योर भी चाहिए, तो आप यहां पर जा करके नीचे जाओ, यहाँ पे दिया है आपको लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, लार्ज कैप में जाएंगे लेकिन इनका रिटर्न कम होगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस का है 17 point, उसके बाद में कैनरा रोबो का 15 point, कोटक का 15 point, आईसीआईसी का 16 point, तो ये क्या है, इनका रिटर्न कम है बिकॉज ऑफ ये सिक्योर ज्यादा है।
जो हाई रिस्क होंगे रिटर्न आपको ज्यादा देंगे, 30% से आपका रिटर्न होगा, लेकिन उसके अंदर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा, आपके पैसे डूबने के, आपका लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इनका रिटर्न कम है मतलब रिस्क कम है, इसके ऊपर टैप करके आप ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना रिस्क है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी थोड़ा हाई रिस्क में दिखा रहा है लेकिन उसका रिटर्न कम है, मतलब उसका रिस्क भी कम है, ठीक है। जैसे जैसे आप उसके अंदर डिटेल में स्टडी करोगे आपको पता चलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड में और हम नीचे जाए, यहाँ पे दिया है लार्ज कैप के बाद में मिड कैप, स्मॉल कैप में जाएंगे, 48% क्वांट स्मॉल कैप ने 48%, मतलब कैसे ऐसा समझो कि 50% के अराउंड रिटर्न दिया। इस बार इसको भी चेक करते हैं ये क्या इसकी पोजीशन है, 48% लास्ट 3 ईयर में 48%, बस उसका एनएवी वैल्यू 150 है, मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार हम कैलकुलेटर फिर से इसके अंदर चेक करेंगे। अभी जो हमने कैलकुलेशन किया वो फंड के अकॉर्डिंग था, अभी हमें रैंडम कैलकुलेशन करना है। हम गूगल क्रोम में ऊपर जाएंगे, फिर से एक बार सर्च करेंगे ग्रो, ठीक है। जैसे ग्रो सर्च करोगे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो एसआईपी कैलकुलेटर, भाई कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है एसआईपी और लंपसम। लंपसम क्या होता है, अगर आप सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करते हो, मेरे पास 5,00,000 रुपए मुझे एक ही साथ में डाल देना है, और एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एवरी मंथ आप 1,500 करके डाल सकते हो। तो पहले मैं एसआईपी का कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दिया है मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 500 रुपए। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% यहाँ पे डिफॉल्ट आपको दिखा रहा है, जो कि एवरेज होता है। कोई भी फंड के अंदर अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको एवरेज 12% तो मिल ही जाएगा, लेकिन हम उसको थोड़ा बड़ा करके करते हैं 25% या 30% कर दिया। जैसे अभी हमने हाई रिस्क वाले सारे फंड देखे, 30% से आपका रिटर्न है, यहाँ पे हमने 30% कर दिया। और टाइम पीरियड भी हम बढ़ाते हैं, चलो पकड़ के चलो अब उसको 20 साल के लिए भी लगाते हैं। तो 20 साल अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000, मतलब 20 साल के अंदर आप जितना भी पैसा लगाओगे वो आपका हो जाएगा 1,20,000। और उसका एस्टिमेटेड रिटर्न आपको जो पैसा मिलेगा 75,00,000 रुपए, 75,41,000, 75,00,000 रुपए, 1,00,000 की कंपैरिजन में आपको 75,00,000 मिलेंगे। और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न करके कितना हो जाएगा, 76,00,000। अमेजिंग, अगर आप एवरी मंथ 500 रुपए ऐड भी करते हो तो आपको 76,00,000 अमाउंट मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000, मतलब आपने जितना भी पैसा डाला है वो अभी 1,20,000 ही हुआ है, और उसके अगेंस्ट में आपको 76,00,000, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ी आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए बहुत ही अच्छी और अमेजिंग चीज है। अब थोड़ा रिटर्न बढ़ाते हैं, यहाँ पे हमने 500 रुपए किया था, हम उसको थोड़ा बड़ा करके करते हैं 1,000। रिटर्न हमारा रहेगा 30% और हम थोड़ा टाइम पीरियड करते हैं 30 ईयर, ठीक है। ये 30 ईयर के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7,20,000, 7.20 लाख, तो हमारा टोटल हो गया 7,20,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपको जो रिटर्न मिलेगा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं उसका जो फिगर है, मुझे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1,00,000, 10,00,000, 10,00,000, 10,00,000, 59 करोड़ का कुछ अमाउंट दिखा रहा है। अनबिलीवेबल, मेरे कैलकुलेशन के बाहर जा रहा है पूरा जो फिगर लिखा है, फिगर को मैं रीड आउट भी नहीं कर पा रहा हूँ। 30 ईयर्स अगर हम उसका टाइम पीरियड करते हैं तो अगर आज आपकी एज 25 या 30 ईयर्स है, अगर आप 30 ईयर के लिए भी पैसा लगाते हो तो आपका पैसा 30 ईयर्स के अंदर 7,00,000 से करोड़ों में चले जाएगा। कहाँ पे, करोड़ों में चला जाएगा, अमेजिंग चीज है। और ऐसा भी नहीं है कि आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, एनी टाइम आप आपका पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, और उसका पूरा जो रूल्स रेगुलेशन है, टर्म्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मैंने ऑलरेडी आपको एक अलग वीडियो बना करके एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो मेरे सारे दोनों चैनल में जाओ, दोनों वीडियोस देखो, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी हमने मोबाइल के अंदर लाइव कैलकुलेशन करके देखा एसआईपी के रिगार्ड में, एसआईपी और लमसम। लमसम चलो एक बार लमसम भी हम चेक कर लेते हैं, कितना पैसा अगर हम लगाते हैं कितना मिलेगा। मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट मेरा कर दिया करीब 1,00,000 रुपए कर देते हैं, यहाँ पे हम सीधा टाइप कर लेते हैं अमाउंट, ठीक है।
ये मेरा 1 लाख खर्चा, मैं एक्सपेक्टेड इधर मेरा 30% रखता हूँ, तो भी मुझे कम से कम कुछ नहीं 26 करोड़ के अराउंड अमाउंट मिलेगा, जो कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। मेरा जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो मेरा अमाउंट क्या है, 1 लाख है, और उसकी अगेंस्ट में अगर मैं चेक करूँ तो कितना बड़ा फिगर दिख रहा है, आई कांट रीड आउट, इतना बड़ा फिगर आपको मिलेगा कितने ईयर में, 30 ईयर्स में। और अगर हम उसका टाइम पीरियड थोड़ा कम करते हैं, 20 ईयर्स करके चेक करते हैं, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कम से कम 1 करोड़ के अराउंड आपको अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, और आपका अमाउंट होगा 1 लाख, और 20 ईयर के अंदर आपको इतना सारा पैसा मिलेगा। अमेजिंग चीज है आपकी, आपकी फैमिली की, या आपको फ्यूचर में कोई बिजनेस करना है, तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैं अकेला सजेस्ट नहीं करता हूँ, बहुत से लोग इसको सजेस्ट करते हैं, इसको देखो, चेक करो, स्टडी करो, एनालिसिस करो। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताओ, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, व्हाट्सअप पे मैसेज करो, डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देखने के बाद में व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं, और हमने उनको विदिन अ मिनट, हम ऐसा नहीं बल्कि विदिन अ आवर्स, जैसे मैसेज आया इमीडिएटली हम उनको रिप्लाई भी करते हैं, उनको हेल्प भी करते हैं, और एंड तक हेल्प करते हैं, जब तक उनका सॉल्यूशन नहीं हो जाता है हम एंड तक उनको हेल्प करते हैं। तो ये जो सारी चीजें थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, SIP कैलकुलेशन मोबाइल के अंदर कैसे चेक करना है, फंड कैसे चेक करने हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अकाउंट कैसे ओपन करना है, ग्रो में ओपन करो, जीरोधा में ओपन करो, कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।